अस्सलामुअलैकुम माई व्यूअर एंड माई फ्रेंड। तो चलें देखें कि आज मैं क्या बना रही हूँ। मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। कुकिंग तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ी बिजी थी, तो जल्दी मैं बना लेती थी, कुछ भी बनाना होता था। तो आज मैं बना रही हूँ, मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और 1 किलो मैंने शिमला मिर्च ली है। इसमें मैंने ये 4 टमाटर डाले हैं और ये मैंने 3 प्याज बड़े बड़े लिए और ये 4 धनिया हरी मिर्ची भी मैं ऐड करूँगी जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे और टमाटर। और इसे मैं रेड मिर्ची ऐड नहीं कर रही, इसमें मैं ग्रीन मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने काफ़ी क्वान्टिटी में लिया है, हल्दी करूँगी और नमक। तो आप लोग देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याजों को मैं अच्छी तरह फ्राई करके फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। उसके बाद जो मैंने ग्रीन पेज कटिंग किए हैं, प्याज धनिया और हरी मिर्ची वो ऐड करूँगी, तो ये बहुत स्पाइसी बनती है रेसिपी। तो आप भी बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि मैंने कैसी रेसिपी बनाई। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर एंड फ्रेंड रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि मैंने कैसी रेसिपी बनाई। तो जैसे ही प्याज फ्राई होते हैं हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो आप लोग देखते रहें मैं कैसे बना रही हूँ। तो लास्ट में फ्राई कर रही हूँ प्याज। व्यूअर हमारे प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखते रहिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। फुल वीडियो देखना आप, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। और फ्रेंड देखें प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, 2 मिनट और फ्राई करूँगी तो बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। तो आप लोग देखते रहें मैं कैसे बना रही हूँ। तो धनिया भी मैंने काफ़ी क्वांटिटी में लिया है, ये देखें 2 गुटी मैंने धनिया के लिए, इसमें 2 ही अच्छी लगती हैं। और गरम मसाला भी मैंने ज़ीरा ज़्यादा ऐड किया है, ये देखें अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया है। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और मुझे भी कमेंट कीजिएगा कि मैंने कैसी रेसिपी बनाई। और व्यूअर देखें हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इतने ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। इसमें टमाटर ऐड कर रही में मैं अपनी ये जो प्याज मैंने रखे थे धनिया हरी मिर्ची ये ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ।
तो ये बहुत स्पाइसी बनती है, टेस्टी। आप भी बनाइएगा, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी, चपाती के साथ भी। इसी के साथ मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसी के साथ मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी अच्छी तरह, उसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूँगी। और पैन देखो, हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है, इसमें मैं भी चिकन ऐड कर रही हूँ। मैं अभी चिकन ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो मैं कैसे बना रही हूँ, तो वीडियो देखना यूजर एंड फ्रेंड। तो जो भी मेरी वीडियो देखता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बाकी सारे यूजर फ्रेंड जो देखते हैं मेरी वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी किया करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ये वो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देखते हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी। हाँ व्यूअर, अभी मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करती हूँ। रेड मिर्ची हम यूज नहीं कर रहे। तो आप लोग देखते रहे कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आए, तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड देखिए, हमारा चिकन भी फ्राई हो गया देखिए। तो इसमें मैं अभी 2 मिनट बाद जो शिमला मिर्च रखी, शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च हमारी थोड़ी फ्राई हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड करूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो फुल देखना और आप भी ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं ये रेसिपी। और फ्रेंड देखें, हमारा चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एंड फ्रेंड देखें, लिस्ट अच्छी आ रही है। आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी मैं 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रखती हूँ। फिर देखना लिस्ट कितनी अच्छी आती है। तो मैंने इतनी आंच पे रख दी है, 5 मिनट बाद देखिएगा कितनी अच्छी लुक आती है। और व्यूअर्स, अभी 5 मिनट हो गए, देखिए देखिए लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो हमारी रेसिपी देखें बिल्कुल तैयार है। इसको मैं फुल आंच पे फ्राई करूँगी। ये मैंने अभी फुल आंच कर दी। इसको फुल आंच पे फ्राई करके मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और धनिया, और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई। तो आप लोग भी इस तरह बनाना, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, स्पाइसी बनती है। आप भी बनाइएगा। तो ये मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जीरा ज़्यादा इसमें मैंने ऐड किया, देख रहे हैं आप।
और शुगर अभी मैं इसमें दलिया ऐड कर रही हूँ। प्लस मैसूर ऐड करेंगे, हमारी रेसिपी कितनी अच्छी बन गई है, लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। अभी बिल्कुल रेडी है, तो अभी बॉल में डाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं। और व्यूवर देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। कभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।